इसको इधर उधर ले जाना। अगर मैं कहूं कि बहुत आराम की नौकरी आपको पसंद है और बच्चों वर्दी भी आपको पहननी है, तो दिल्ली पुलिस के ड्राइवर की नौकरी ले लो, 24 घंटे ड्यूटी और 48 घंटे रेस्ट ले लो। बहुत आसान की, बहुत मजे की, बहुत अच्छी नौकरी है। अगर आप आराम पसंद बच्चे हैं तो ये नौकरी आपके लिए ही बनी है। अब बच्चों इसकी जानकारी के लिए मैं आपके लिए क्या कुछ लेके आया हूँ, सब कुछ बताऊंगा बच्चों। अभी फॉर्म वॉर्म सब बताऊंगा बच्चों। तो ये देखिए वैकेंसीज बच्चों 1215 है। ये 1215 कब है, ये दिल्ली पुलिस ने दिया था अब से करीब 8 से 10 महीने पहले। अब जो वैकेंसीज एसएससी के थ्रू आएंगी, तो बच्चों उन वैकेंसीज में ये 1215 जरूर आपको बढ़कर ही आएंगी। यानी अब जो वैकेंसीज आएंगी 1215 से ज्यादा ही आएंगी, कम नहीं होती। पहले 800 वैकेंसीज भी हुई है, 100 में से 70 पर लिस्ट रही है बिना नेगेटिव मार्किंग के, पहले आपको बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। लेकिन इसमें एक ट्रेड टेस्ट भी होता है जिसको हम ड्राइवरी टेस्ट बोलते हैं। वो कैसा होता है, उसमें क्या क्या करवाते हैं, वो सारी बातें मैं आज बताने के लिए लाया हूँ बच्चों। फॉर्म्स जून 2022 में आएंगे, रिटर्न टेस्ट अक्टूबर 2022 में होगा। सर ये कैसे पता आपको, बेटा डेट भी बता देता हूं, 27 जून को आएंगे आपके फॉर्म, 27 जून को। वाह वाह वाह, कितने श्योर हैं। तो बच्चों अगर आपको दिल्ली में घुसना है और आपके पास हैवी लाइसेंस है इस डेट में, या अभी आप बनवा सकते हो, तो इससे आसान रास्ता दिल्ली पुलिस में जाने का हो नहीं सकता कोई दूसरा। ये बात भी नोट कर लो कहीं कॉपी में। नया साल है और इस साल के अंत तक जाते जाते आपको नौकरी मिल जाए, वो भी दिल्ली पुलिस के अंदर, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती बच्चों, है ना। और फॉर्म्स बेटा दिल्ली पुलिस के अंदर मैं क्यों इतनी तवज्जो दे रहा हूं, क्योंकि हमारे एरिया का बच्चा तो दिल्ली पुलिस की तरफ भागता है, और जिसको अब कांस्टेबल में कंपटीशन लड़ना बस की नहीं है, वो इस तरफ कर रहा है ना बच्चों। अब दूसरी बात, इसके लिए बच्चों ड्राइवरी में सैलरी भी कांस्टेबल के बराबर बनती है, बेटा ज्यादा बनती है थोड़ी सी, ठीक है। कितनी बनती है सर, बेटा मैं कांस्टेबल की बोलूं तो आज की डेट में कांस्टेबल लगते ही 40,000 से ज्यादा लेंगे, 42-43 बनेगी बच्चों। और कैसे बनेगी बेटा, इनके अलाउंसेस काफी सारे होते हैं, दिल्ली का एचआर ही 27% की रेंज में आता है, 24%, है ना, फिर उस पर डीए वगैरह। तो सैलरी जो बनती है बच्चों 45 के आसपास दिल्ली पुलिस ड्राइवर की नौकरी लगती है, कांस्टेबल पद पे भी लगती बनती है, ठीक है। चलिए मैं किसी ड्राइवर का आपको इंट्रो भी कराऊंगा, जो अभी बच्चे लगे हैं ऑफलाइन पढ़ते थे, मैं उनसे बताऊंगा कि नौकरी कैसी है, वो आपके सामने लेकर के आऊंगा बच्चों। मेरी उनसे बात हुई इसलिए मैं आपसे बातें शेयर कर रहा हूँ। अब रिटर्न टेस्ट बच्चों अक्टूबर 2022, बेटा एज लिमिट 30 साल सर जनरल है, और फिर उसके बाद 3 साल ओबीसी छूट और 2 साल किसके लिए छूट, एससी एसटी के लिए, यानी उनको 5 साल की छूट। तो जनरल तक मेरे ख्याल से नहीं, 27 मैं भी बेटा इनको श्योर करके मैं शायद आपको बताऊंगा, तो देखना भाई ड्राइवर की एक बार, मैंने पहली वाली वीडियो में मैंने बताई, एक बार उसको देखो, ठीक है। शायद 18 से 27 या 18 से 30, मैं जस्ट अभी कंफर्म कर रहा हूँ आपको, हाँ 18 से 27 ही है बच्चों, मुझे याद आ गया 18 से 27 है। ओबीसी 30 चला जाएगा, एससी एसटी 32 चला जाएगा, ठीक है। भर्ती कब आएगी, बेटा डेट दे दिया मैंने, भर्ती ये आ रही है। चलो नेगेटिव मार्किंग होगी क्या बच्चों, अब इसका बारे में अभी जिक्र करता हूं। डीएल की डेट क्या होगी, ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होता है, ट्रेड टेस्ट क्या होता है, क्लासेस कब से, बुक्स कौन सी, फिजिकल हाइट टेस्ट। बच्चों मैं आपको बता दूं, इसकी क्लासेस हम लोग 20 जनवरी से प्लान कर रहे हैं, 20 जनवरी से इसकी क्लासेस प्लान कर रहे हैं, ताकि आपको ड्राइवरी की वैकेंसी को अभी से आप टारगेट कर पाओ, है ना बच्चों। बहुत कम चैनल बहुत अच्छा पढ़ा पाते हैं इसके लिए, लेकिन हम सिर्फ सिलेक्टेड पढ़ाएंगे, आपको पता ही है कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। बुक्स इसके लिए बच्चों हमारी एक ड्राइवर में जो 50 मार्क्स सिर्फ ड्राइवर की बुक से उससे आते हैं, तो बच्चों 50 मार्क्स का अलग मटेरियल है इसमें, बाकी सबसे अलग, कि जिसमें रोड साइन की आपको जानकारी होनी चाहिए, आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो गया तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा रिंग पिस्टन के बारे में पता होना चाहिए, तो वो एक बुक में, एक बहुत पतली सी बुक में ये सब कुछ हमने उसमें लिख दिया है। तो बच्चों बहुत जल्द वो बुक आपके सामने होगी, इसी महीने होगी, यानी जनवरी में ही होगी, ठीक है। फिजिकल में क्या क्या होता है बच्चों, रनिंग होती है, हाई जंप होती है, लॉन्ग जंप, अभी उसकी डिटेल जानकारी दूंगा। हाइट 170 सेंटीमीटर, एसटी के लिए छूट है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। चेस्ट, तो भैया चेस्ट इसमें होती है 81 to 85 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्या जो अदर स्टेट के हैं वो दिल्ली में जनरल में काउंट होंगे, नहीं, अदर स्टेट जो आप अपने स्टेट में ओबीसी में है तो ओबीसी में आओगे, आप अपने स्टेट में जनरल में है तो जनरल में आओगे, आप अपने स्टेट में एससी में है तो दिल्ली में भी आप एससी में आओगे। बस एक जाति है जाटों को छोड़कर, जाट अपने राज्य में ओबीसी में हो सकते हैं लेकिन दिल्ली में वो जनरल में आएंगे, लेकिन जो दिल्ली के ही जाट हैं, जिन पे दिल्ली का सर्टिफिकेट है जाट, है ना, तो ओबीसी का, तो भैया वो ओबीसी में काउंट होते हैं इसमें, क्लियर है। चलिए हाँ, एज 21 से 30, ओके, अपर एज विल बी फ्लेक्सिबल ऑन देयर, ओके, ठीक है बच्चों। इसमें ना 21 से 30 है बच्चों एज, 18 वाले नहीं भर सकते इसका मतलब फॉर्म, बेटा एज मैंने देख ली है, एज मैंने देख ली है, इसमें 21 से 30 वाला एज ग्रुप आता है, यानी जब आप कांस्टेबल में ओवरेज होने के कगार पे पहुंच जाते हो तो ये जनरल की एज है। ओबीसी बच्चों इसमें 33, एससी एसटी बच्चों इसमें 32 तक चला जाता है, ठीक है, वो 35 तक चला जाएगा, बहुत सही। अब बच्चों मैं आगे अगर बोलूं तो देखिए ये सारी बातें मुझे कहां से पता है, क्योंकि अब ये भर्ती चली गई किसके अंडर,